ओम शांति। आज का विषय है कर्म भोग को योग से समाप्त करें, पार्ट टू। कर्म भोग को योग से समाप्त करें, पार्ट टू। परमपिता परमात्मा ने हमें समझाया है कि हम सारी आत्माएं मूल स्वरूप में निराकार है, परमधाम निवासी है। वहां से हम ये सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आए हैं और पाठ बजाने के लिए धरणी माता से हमने ये पांच तत्वों का शरीर लिया है। जब से हम ये सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आए हैं तो पाठ बजाते बजाते अनेक अनेक आत्माओं के साथ एनर्जी एक्सचेंज हुई है। वैसे ही प्रकृति के पांच तत्वों के साथ और शरीर के पांच तत्वों के साथ भी एनर्जी एक्सचेंज हुई है। और वो अगर गुड एनर्जी है तो भाग्य बनता है और बैड एनर्जी है तो दुर्भाग्य बनता है। दुर्भाग्य समस्या के रूप में हमारे सामने आता है। वर्तमान समय में जो भी कुछ समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, वो सभी हमारा पास कार्मिक अकाउंट है, हमारा पुराना हिसाब किताब है। हिसाब किताब आत्माओं के साथ और हिसाब किताब प्रकृति के साथ। पिछले रात्रि क्लास में हमने आत्माओं के साथ का हिसाब किताब योग बल से समाप्त करने की विधि समझकर मेडिटेशन किया है और आज अभी पार्ट टू में हम प्रकृति के पांच तत्वों के साथ जो हमारा हिसाब किताब बना है उसको समाप्त करने के लिए आज खास मेडिटेशन करते हैं। प्रकृति के पांच तत्व है आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। और ये जो चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र, वो भी पांच तत्वों से ही बने हैं और उनके साथ भी हमारा हिसाब किताब है। वैसे ही वृक्ष, पौधे, इनके साथ भी हमारा हिसाब किताब है। जैसे हमने आत्माओं के साथ का हिसाब किताब में, जैसे मनुष्य आत्मा के साथ पशु, पक्षी, प्राणी, पक्षी का भी हिसाब किताब चुकतू करने का मेडिटेशन किया, वैसे ही हम चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र, ये भी जो पांच तत्वों से बने हैं, उनको भी वाइब्रेशन देने वाले हैं। तो कर्म भोग जो पांच तत्वों के हिसाब किताब के कारण आया है, उनको हम योग बल से समाप्त करने की विधि द्वारा मेडिटेशन करते हैं। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के दो लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें, एक अति दिव्य तेजो में चमकता हुआ दिव्य सितारा, जिसके आभा चारों ओर सर्वदूर सारे विश्व में फैलते
जा रहे हैं। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, रोशनी हूँ, लाइट हूँ। मैं आत्मा, प्रकृति चित आत्मा हूँ। मैं संगम योगी आत्मा, प्रकृति चित आत्मा हूँ। मैं आत्मा लाइट, मेरा संपूर्ण शरीर लाइट है। मैं आत्मा लाइट, मेरा संपूर्ण शरीर लाइट है। मैं हूँ डबल लाइट माइट फरिश्ता। मैं फरिश्ता आकाश में, मैं फरिश्ता और ऊपर और ऊपर, चांद तारों से भी ऊपर। मैं फरिश्ता और ऊपर, ग्लोब के ऊपर, इस दुनिया से ऊपर। मैं फरिश्ता और ऊपर, सूक्ष्म वतन में मेरे सामने है बाप दादा। मैं फरिश्ता बाप दादा से रूह रिहान करती हूँ। बाप दादा का हाथ पकड़कर मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर, मैं फरिश्ता परमात्मा को साक्षी रखते हुए प्रकृति के पांच तत्वों से क्षमा याचना करती हूँ। सूक्ष्म वतन में मैं फरिश्ता बाप दादा के सामने इमर्ज करते हैं प्रकृति के पांच तत्वों। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। मैं फरिश्ता, मैं आत्मा, इन सभी तत्वों से माफी मांगती हूँ कि गए 84 जन्मों से मैं आत्मा ये प्रकृति का पांच तत्वों का शरीर यूज कर रही हूँ। अनंत अनंत उपकार है मुझे आत्मा पर, और जाने अनजाने में मेरे हाथ से कभी प्रकृति के पांच तत्वों का अपमान हुआ हो, कुछ मेरे हाथ से गलती हुई हो, तो मैं आत्मा प्रकृति के सारे पांच तत्वों से, कुदरत के पांच तत्व और शरीर के पांच तत्वों से क्षमा याचना करती हूँ कि प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपने ये पांच तत्वों का शरीर दिया, अनेक अनेक शरीर मैंने यूज किए, कभी ये पांच तत्वों के शरीर की देखभाल की कभी नहीं की, कभी कुदरत के पांच तत्वों को मैंने तकलीफ दी, उसका अपव्यय किया। मैं आत्मा प्रकृति के पांच तत्वों से क्षमा याचना करती हूँ कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं रुद्र से
आपसे आप सब से माफी मांगती हूँ। और इसके आगे कोई भी गलती ना करने का संकल्प करती हूँ। मैं ये 5 तत्वों के शरीर की हिफाजत करूंगी। जल्दी उठूंगी, वॉकिंग को जाऊंगी, प्राणायाम करूंगी, मेडिटेशन करूंगी। शरीर का आदर सम्मान करूंगी, प्यार करूंगी। ऐसे ही कुदरत के 5 तत्वों का सम्मान करूंगी, उनका अपव्यय नहीं करूंगी। गए 84 जन्मों से 84 शरीर मुझे मिले। और शरीर को जीवित रखने के लिए कुदरत के 5 तत्वों ने हमें हेल्प की। ये 5 तत्वों के बड़े उपकार हम सभी पर हैं। हम आभारी हैं 5 तत्वों के, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जीव दिया है, शरीर दिया है। पांच तत्वों की है पुकार, दुनिया को सवारी है, निज परिवर्तन कर, जग परिवर्तन कीजिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। निज परिवर्तन कर, जग परिवर्तन अब लाइए। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। 5 तत्व की पुकार है, दुनिया को संवार। जैसे जल अपनी राहें आसान बना लेता है, आगे बढ़कर मंजिल को सहज ही पा लेता है। दाता ये धरती सदा जो सब कुछ हमको देती है, बिन लिए कुछ भी फल फूल और जल बेहद वो लुटाती है।
चलते रहिए, अरे ऐसे ही चलते रहिए, आगे ही आगे अब बढ़िए। पांच तत्व की पुकार है दुनिया को संवारिए, हो जीवन में ताजगी लाए, वायु उसे कहते हैं, मन में उमंग भरती सदा, जैसे पंछी वो उड़ते हैं, जैसे सूरज की किरणों से सब कुछ निर्मल बन जाता, उज्ज्वल करके सारे जग को पावन वो प्यार लुटाता। ऐसी दे दुआएं जग उजियारा अब गिरिए। पांच तत्व की पुकार है दुनिया को संवारिए। विशाल आसमां जो करे दूर संचार प्रसार, कितना सुंदर नीला नभ है मिला प्यारा उपहार, सुख शांति सबको मिले प्रभु को हम याद करें, सद्ज्ञान की रोशनी से आओ खुद को रोशन करें। ऐसा प्यार देकर सबका प्यारा बन जाइए। अब वक्त ये जा रहा पल पल ये सुना रहा, अब वक्त ये जा रहा पल पल ये सुना रहा। पांच तत्व की पुकार है दुनिया को संवारिए। पांच तत्व की पुकार है दुनिया को संवारिए। निज परिवर्तन कर, निज परिवर्तन कर, जग परिवर्तन अब लाइए। अब वक्त ये जा रहा पल पल ये सुना रहा, अब वक्त ये जा रहा पल पल ये सुना रहा, अब वक्त ये जा रहा पल पल ये सुना रहा। प्रकृति के पांच तत्वों ने हमें माफ कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आत्मा प्रकृति के पांच तत्वों से बने चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र,
वृक्ष, पौधे, इनसे भी क्षमा याचना करती हूँ। जाने अनजाने में मुझे आत्मा से कई गलतियां हुई हैं, कभी वृक्ष को काटा होगा, कभी फल को अकाले तोड़ा होगा, कभी चंद्र सूर्य ग्रह तारे नक्षत्रों का जाने अनजाने में अपमान किया होगा। जन्म जन्मांतर का ये बोझ मुझे आत्मा पर है। मैं आत्मा इन सब से अपने हृदय से क्षमा याचना करती हूँ। प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू। आप सब ने मुझे आत्मा को माफ कर दिया है। मुझे पता है कि हम आत्माएं तमो प्रधान हुई, इसी के कारण सारी प्रकृति तमो प्रधान हुई है। अभी संगम युग पर मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के श्रीमत पर चलते हुए स्वयं भी संपूर्ण पवित्रता का पालन करती हूँ और पवित्रता के किरणों को चारों ओर सर्वदूर सारे विश्व में फैलाती हूँ। मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर बाप दादा का हाथ पकड़कर ऊपर से परमधाम घर से पवित्रता की किरणों की बरसात मुझ फरिश्ते पर, मुझे संपूर्ण संपन्न पवित्र बनाते हुए ये ईश्वरीय किरणें पवित्रता की किरणें सारे विश्व में फैलते जा रहे हैं। चंद्र सूर्य ग्रह तारे नक्षत्रों को आकाश तत्व को प्राप्त होती जा रही हैं। यही किरणें वायुमंडल को शुद्ध बनाते हुए जल को पावन बना रहे हैं। अग्नि तत्व भी शुद्ध पावन बन गया है। धरणी माता भी शुद्धता से भरपूर हो गई है। परमधाम से परमात्मा से पवित्रता की बरसात मुझ फरिश्ते पर और मुझ फरिश्ते से ये पवित्रता की बरसात संपूर्ण विश्व के सारे आत्माओं पर और प्रकृति के सारे तत्वों पर, पवित्रता के हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला।
परम पिता परमात्मा से निकलती हुई
पवित्रता, प्यार और शांति की किरणें मुझ फरिश्ते में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर सारे विश्व में फैलते जा रहे हैं। विश्व की हर आत्मा, हर तत्व पवित्रता से, प्यार से और शांति से भरपूर हो गया है। सभी प्रकृति के पांच तत्वों ने मुझे आत्मा को माफ कर दिया है। कोई ग्रह अभी वक्री नहीं, मेरे लिए वक्री नहीं। कोई ग्रह के मेरे लिए साढ़े साते नहीं। कोई ग्रह का मेरे लिए ग्रहण नहीं। सारे चंद्र सूर्य ग्रह तारे नक्षत्र मुझ पर प्रसन्न है। प्रकृति के पांच तत्व भी सभी आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व सारे प्रसन्न हैं। वृक्ष पौधे भी मुझ पर प्रसन्न हैं। मैं आत्मा दृढ़ निश्चय करती हूँ कि मैं सदा पवित्रता का पालन करते हुए पवित्रता, शांति और प्यार की किरणें सदैव सारे विश्व में फैलाते जा रही हूँ। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। कहते जिसे प्रकृति कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। सबका कायम इन्हीं से रहता, बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। खूबसूरती इन सब की आंखों में सदा उतरती, खूबसूरती इन सब की आंखों में सदा उतरती। मन भावन
है नीर गगन अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। कर पिता अंबर भी बाहों में सबको समाता। माँ बन कर के गोद में अपनी पाले धरती माता। बन कर पिता अंबर भी बाहों में सबको समाता। सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती। सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती। मन भावन है नीर गगन अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी कहते जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। कुदरत के पांच तत्व मुस्कुराते हैं। शरीर के पांच तत्व हेल्दी हो गए हैं। प्रकृति के पांच तत्वों के साथ का मेरा हिसाब किताब चुप्त हो गया है, समाप्त हो गया है। शरीर के साथ का भी मेरा हिसाब किताब चुप्त हो गया है, समाप्त हो गया है। प्रकृति के पांच तत्व, शरीर के पांच तत्व मेरे सहयोगी और सहकारी बन गए हैं। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका।
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।